तुम्हें कितनी दफा टाइम है मैंने वो आपको ऐसे ना बैठा हुआ ठंडे में से दो सर्दियाँ निकली वाह ये उधर वाले में से ये वाला ना वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और आज की जो सुबह है माशाल्लाह बहुत ही अच्छी होने वाली है आज बस ये है कि गर्मी बहुत है हब्स बहुत ज़्यादा है बढ़ गई हुई है ना पानी के अंदर लींबू डाल के पीऊँगी गर्मी में जो है ना ये लींबू पानी पीना बहुत अच्छा होता है इसके लिए इससे जो है ना ये गर्मी नहीं लगती मैंने वैसे तो शराज रोज़ाना पीते हैं ये पानी लींबू डाल के सुबह सुबह उठ के कहते हैं कि ये लींबू के अंदर जो है ना सी विटामिन सी होता है एक ऑरेंज खा लें और एक लींबू आप पी लें पानी के अंदर डाल के मैं इसको ना लींबू को काट के इसमें पानी में हल करके बस पीऊँगी इसको सुबह सुबह काट लिए अब इसको निचोड़ते हैं इस पानी में रोज़ाना सुबह उठ के और इसके पीने के बाद एक घंटे बाद आपने चाय पीनी है कुछ भी हो नाश्ता आपने एक घंटे के बाद करना है बहुत खट्टा है ये फिटनेस का राज है लींबू पानी और चेहरे पे जो ये छाइयाँ और ये झुरियाँ वगैरह सारी आती हैं हम लोगों के ये बेहतरीन चीज़ है बेहतरीन कलर को फेड साफ भी करता है ये आपके और रौनक आती है चेहरे पे शाइन आती है चेहरे पे ये लींबू पानी पीने से काफ़ी लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हमारे गले ख़राब हो जाएंगे ये हो जाएगा वो जगह नहीं ये से लींबू पानी से गला ख़राब नहीं होता एक होता है जमेरी एक होती है लींबू लींबू से गला ख़राब नहीं होता कभी भी अभी ये मैं पी रही हूँ आपके सामने और देख रहे हैं कोई मसला नहीं है कोई इंशाल्लाह आगे आने वाले व्लॉग्स में आप देख सकते हैं कि मेरा कोई गला ख़राब नहीं होगा फिनिश अब इसके एक घंटे के बाद जो है ना मैंने नाश्ता करना है जला हुआ अंडा ना मुझे पसंद नहीं है बस तो ऐसे नरम नरम सा हो वो बहुत पसंद है और अंदर जर्दी थोड़ी सी नरम सी हो सब जर्दी नहीं मुझे पसंद बिल्कुल भी माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा बन रहा है बहुत ज़्यादा ना ये देखो जी ये बन गया जी हमारा फ्राई अंडा अब हम स्लाइस गरम करेंगे क्या यहाँ चाय बन गई है ये नाश्ता करो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मेरा हनी का है हनी ये क्या करना लगे ये तो बड़े शौक से खाती हूँ मैं तो भाई कौन कौन खाता है ये कौन कौन खाता है ये शहद वैसे ये जैम से तो अच्छा है ना हनी ब्रेड लाख दर्जे बेहतर है और ये जो ब्रेड के अंदर कोई ताकत नहीं होती ना ताकत आ जाती है ये ब्रेड तो बिल्कुल खाली होती है इसको कोई ताकत थोड़ी होती है शहद लगा दे अच्छा अंडे काफ़ी लोग अंडे फ्राई अंडा भी लगाता फ्राई अंडा कितने अच्छे बने हैं ना अच्छा यार ना एक अंडे में से दो सर्दियाँ निकली वाह ये उधर वाले में से ये वाला ना ये रहा। ये रहा। बत्तख का तो नहीं है अभी नाश्ता बन गया बस नाश्ता करते हैं और अब फिर दूसरे काम शुरू करेंगे सारे आज रोजाना सुबह का तीन दिन हो गए मसला ये चल रहा कि रोज़ाना मुझे जाति पर कंघी नहीं मिलती है तो मेरी कंघी मैंने क्या किया हुआ था मैंने कंघी अपनी यहाँ पे नीचे लटकाई हुई थी अब इन्होंने क्या किया यहाँ से उतार ली मेरी कंघी और रोज़ाना मैं कंघी ढूंढता फिरता हूँ कि यहाँ से मिले यहाँ से मिले अब मैं कहाँ ढूंढूँ कंघी इधर आओ ज़रा कंघी दो मुझे आके इधर आओ कंघी दो मुझे आके कंघी कहाँ है मेरी ये क्या कर रहे हैं पकड़ लिया ये अपने लिए ये मेरी कंघी जो है ना यहाँ से गायब हो जाती है ये देखो दो दो अब दो दो पड़ी है
नजर आ रही किधर है? इधर तो पड़ी है। बांध लेना और इसको आपने ऐसी जगह बांधना और इतनी मजबूती से बांधना ताकि कोई खोल ना सके, क्योंकि पीछे बांधी थी आपने। कोई बात नहीं, अब यहाँ हो या वहाँ हो, ये जो लापरवाह लोग होते हैं ना, इसको खोलने की भी जरूरत नहीं करते हैं। जामुन लीम में पकाए जाते हैं भला? ये देना जाता है। अच्छा चलो, आज तुम एक काम करना, आज पकाना ये 100 रुपए लो, ₹120 किलो हो गया है आलू। हाँ। एक आलू ले लेना। अच्छा। और धनिया पुदीना 10-10 रुपए का आएगा, और 50 रुपए की चीज खा लेना कोई। बाकी मुझे फोन कर देना, मैं लेता आऊंगा फोन। अल्लाह जी, मैं रात को लेता आऊंगा ना सामान जो चीज। रात कौन सी रात आती है जिंदगी में, कभी रात आई है? आयदल के 10 रुपए, ये बिया के 10 रुपए, और ये 50 रुपए आरम के, सबके मिला मिलू के ना सबके 10-10 रुपए। आरम 50 लेता ही नहीं, मैं 100 रुपए लेता है आरम। आरम का 100 रुपए, चलो चलो ये। अच्छा बिया को भी दे देना इसमें, किधर गया? 10 रुपए डिग्गी के, सारा दिन की खर्चा आई है, रात तक गुजारा करना इसमें। आज गर्मी पता कैसी पड़ रही है, सांस बंद करने वाली आज तो हालत बुरी हो गई, बहुत बुरी हालत हो गई। बड़ी मुश्किल से उठकर आई हूँ, रब आके खाना चढ़ाया है, कुछ ना खाने को दिल कर रहा ना पकाने को। ये दिया ने ना चिकन मंगवाया था सुबह, तो अभी मैंने सोचा कि चलो इनको खड़े मसाले का जो है ना चिकन बना के देते। हर जगह जो है ना बारिश हो चुकी है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा। अभी मैं डालती हूँ इसमें, ये दही डालनी है, हरी मिर्चें वगैरह डालनी है, अभी डालते हैं इसमें, खाना पकाती हूँ। किचन में ना खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा, किचन में ज़रा सा भी। बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है। थोड़ा बाहर देखती हूँ बाहर कैसी मौसम हो रहा है। बाहर भी हब्स पूरा घर भरा हुआ है। इधर आओ, इधर जाके खड़ा हो गया जाके, इतनी गर्मी हो रही है। अच्छा जी, मैंने जो है ना, मैं भूल गई कि मैंने वीडियो बनानी है। मैंने 1 पाव के करीब जो है ना इसमें दही डाल दिया है, ठीक है, मसाले सारे डाल के, और 1 पाव मैंने इसमें दही डाली है। और अभी मैंने बस जो है ना इसको जो है ना दही में ही पकाना है इस सालन को, और साथ में 3-4 हरी मिर्चें डाल दी ऊपर से, और इसको हम ढक के पकाएंगे। गरम मसाला कुछ नहीं डाला मैंने, लाल मिर्चें भी नहीं डाली मैंने, बस ये हल्दी, धनिया पाउडर और नमक डाला है, 3 चीज़ें डाली। गर्मी हो गई आज, क्या बना रही हूँ मैं? चक्कर इतने आ रहे हैं भैया मुझे, तो मैं फटाफट रोटी पका के मैं जा रही हूँ अंदर। अच्छा, सालन क्या बनाया आपने आज? सालन बनाया, चिकन का सालन। कीमा? गैस जाने वाली, मन का जल्दी जल्दी रोटी पका लूँ, बहुत आज घर से ज्यादा गर्मी हो रही है। पता है मैं सुबह भी आया आपको, बहुत ही तबीयत खराब हो रही है गर्मी से, क्या करूँ। क्या हुआ? चक्कर आ रहे, पानी पिला। अच्छा, मैं पानी पिलाती हूँ। ये ले पानी। आज तो तबीयत बुरा हाल हो गया, उसको 2-3 रोटियाँ रहेंगी पकाने वाली, उसको हम के तो बर्फ वालों बाहर से ले आए। हाँ, क्या हुआ मामा? सारी सोल, दुनिया भर की सारी सोलते, ये कुछ नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? ये सारी गर्मी खत्म कर देगा 1 मिनट में, ये लोग पागल है, मुझे समझ नहीं आता। ये इसकी हालत देखो जरा, एग्जॉस्ट लगा हुआ है, लोग तरसते हैं क्योंकि घर में एग्जॉस्ट हो, और ये होते हुए भी नहीं चलाती, बंद कमरे के अंदर चूल्हे के साथ बैठी हुई। क्या हुआ, ज्यादा चक्कर आ रहे? ये मैं करती हूँ, आता रोटी उतारो, मेरी तबीयत ऐसे लग रहा है जैसे चक्कर आ रहे। बाहर बैठे आप, क्या एकदम से है पापा? क्या हुआ मामा को? एकदम से चक्कर आ रहे हैं। क्या हुआ? चक्कर आ रहे हैं। हेलो, तुम्हें कितनी दफा कहा मैंने वो आप ऐसे ना बैठा करो, सारी तो पसीने से भरी है। रोटी ना पका के दूं आपको मैं? रोटी पका के देना तो, एग्जॉस्ट तो चलाओ। तुमने एग्जॉस्ट क्यों नहीं चलाया? अजीब हो रहा, तो यार देखो क्या हुआ। अच्छा चलो उठ के दरवाजा दरवाजा चले, एसी चलाऊं मैं? पानी उठो, पानी पियो। कुछ खाया पिया है तुमने? खाया पिया नहीं है तो फिर कैसे तुम कुछ खा लिया करो, पापे पड़े हुए घर में। आयजल देखो मामा किधर है, रोया नहीं आपने? अच्छा ओके, बताओ।
ओके रोना नहीं आपने। अच्छा तो गाइस अभी जो है मामा की तबीयत एकदम से खराब हो गई थी और हम लोग सब परेशान हो गए थे और अभी जो है मैं खाना ला रही हूँ। पापा अभी नहाने गए हैं और मैंने बोला चलो मैं खाना डाल के ले आऊँ। पापा आ गए हैं और जो है रोटियाँ हमारी कढ़ाई में खाएंगे। बहुत मज़ा आता है जब हम लोग कढ़ाई मिलना यहाँ पे रखते हैं और जल्दी से इसको लेकर चलते हैं अंदर गरम गरम सालन को। गाइस अभी जो है मैंने जो है आइसक्रीम बनाई थी मैंगो आइसक्रीम और वो मैंने फ्रीजर में रखी हुई है। मतलब कि मैंने जो है एक हैक देखा था और जिसमें जो है मैंगो को पूरा रख देते हैं फ्रीजर में और आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। ये देखें मेरी मैंगो आइसक्रीम को बाइट करेंगे ना इसे। बहुत टेस्टी लग रहा है ठंडा आम तो मैंगो आइसक्रीम। इतनी जबरदस्त आइसक्रीम है भाई वाह भाई वाह थैंक यू। खाए अच्छी आई है ना। वाह इसको मैंने एक हैक देखा था इसको डिप करते दही में मैंगो को फ्रीज करके टेस्ट अच्छा आता है। अच्छी लग रही है दही में डाल के क्या होगा फिर वो जब निकालते हैं ना उसको फिर वो बहुत अच्छी सी मतलब टेस्ट अच्छा बन जाता है। मैंने देखा था कि मैंने तो अभी सिर्फ इसको काट के छील के फ्रीज कर दिया। कैसी है अच्छी है ना बहुत। मैंने बोला चलो ट्राई करते हैं बहुत मजे की आइसक्रीम। किधर जा रहे पापा वो आज बुध बाजार है ना बुध बाजार मान। तो हेलो गाइस मैं जो है मामा के लिए कोल्ड ड्रिंक लाई हूँ नीचे से और मामा की तबीयत खराब हो रही थी तो चले आए मामा को सरप्राइज देते हैं चल के कि मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लाई हूँ। चलो आराम मामा किधर है किचन में। ये देखो कोल्ड ड्रिंक लाई हूँ मैं और आइजल के लिए बिस्किट और मेरे लिए फ्राई। इधर दे दे इधर दे दे आप खाते रहते हैं आप खाते रहते हैं। देखे आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लाई हूँ। अब हम ये आप क्या खा रही है फ्राइज। मैंने सिर्फ मसाले सादे वाली लगवाई है केचप वगैरह नहीं खाते। चले मैं खाती हूँ आप भी खाएं। पिन करें अनबॉक्स यार तुम तो जाओ यहाँ से खा रहे हो वो खाते हैं ये कितने की है ये उसको पानी पिलाओ कितने की है ये 50 वाह क्या ग्लास है ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक। मामा पिए पिए आप पिए ना मैं पीऊं आराम इसमें डाल के पी लेगा सुकून मिला नहीं मिला ना 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 मामा भैया कोल्ड ड्रिंक पी के ऐसा सुकून मिला है ना मजा आ गया मजा आ रहा है। अच्छा बिस्किट खाए आप बस अब सोएगी इसको दूध पिलाते हैं सोएगी अब ये। अच्छा जी अभी जो है क्लास गए हुए नीचे तो गए हुए लेने के लिए देखें अब क्या लेकर आते हैं मेरे लिए और मैदा तो मेरा ले आई है कोल्ड ड्रिंक। मम्मा आपकी तबीयत खराब थी तो आप कोल्ड ड्रिंक पी लें तो मुझे अच्छा लगा काफ़ी बच्चे मेरा ख्याल रखते हैं। तबीयत खराब हो गई थी आज मेरी बहुत चक्कर आए एकदम से चक्कर आया जैसे मैं अभी गिर जाऊँगी। तो गाइस पापा जो है सामान ले आए हैं नीचे से ये लीमू लाए हैं ये पापा कोल्ड ड्रिंक ले आए और ये जो है ये है जामुन बहुत मज़े के जामुन। अभी इसको धोते हैं और जल्दी से लेकर अंदर चलते हैं बहुत दिल कर रहा है जामुन खाने का। कोल्ड ड्रिंक मैं अभी फ्रिज में रखती हूँ ये मैंने पापा की पापा को कोल्ड